वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जलवायु विज्ञान भाग 6 के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और चक्रवातों के नामकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन इसको कहते हैं, तो क्या होते हैं इनके बारे में सारी चीजें देखिए। क्लास हमने पिछली क्लास में आपको प्राइमरी विंड्स पढ़ा दिया था, सेकेंडरी विंड्स पढ़ा दिया था, टर्सरी विंड्स बताया था, मतलब पढ़ाने का मतलब ये पूरी सारी चीजें अभी हुई नहीं थी, सारी चीजें टर्सरी विंड्स के बारे में बताया था, लेकिन अभी ये सारी हवाएं हुई नहीं है, अभी ये हम लोग को करना है। हम लोग केवल अभी विस्तार से सेकेंडरी विंड्स पर बात किए थे, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया इसी में ही साइक्लोन आता है, इसी में ही साइक्लोन आता है, इसीलिए ये जो वीडियो चल रहे हैं इसमें साइक्लोन की ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी हम लोग विस्तार से केवल सेकेंडरी विंड्स यानी कि द्वितीयक हवाओं को ही देख रहे हैं। सेकेंडरी विंड्स को द्वितीयक हवाएं ही कहते हैं। इसमें मानसून आता है, समझे हम लोग मानसून, अभी इंडियन मानसून तो समझेंगे, विंड सिस्टम, सी ब्रीज भैया, सागर समीर, स्थल समीर, माउंटेन ब्रीज, पर्वत समीर, घाटी समीर। अब हम साइक्लोन पर, पिछले वीडियो में हमने साइक्लोन की कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे कोरियालिस बल काम करता है, और कहां कोरियालिस बल काम नहीं करता है तो वहां साइक्लोन नहीं बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए। आज हम लोग नामकरण वगैरह पे बात करेंगे, ये बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, पहले हम ये पूरी की पूरी क्लासें कंप्लीट हो जाएं, साइक्लोन के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए, जो प्री कम मेंस में क्वेश्चंस, मेंस तक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, यहां पहले कुछ हम लोगों को चीजें समझनी होंगी। समझना ये है, यहां पर अगर मैं थोड़ा सा हाँ इसमें बात करूं तो देखो, हिंदी वाले पहले ध्यान दो, देखो हिंदी इंग्लिश में परेशान मत होना, मैंने यहां पर इंग्लिश का लाया है और यहां पर देखोगे तो हिंदी लाया है। अब यहां पर समझने की कोशिश करिए, ये देखो उष्णकटिबंध है। असल में होता क्या है कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है ना, और इस पृथ्वी में भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा है। तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, इनके बीच वाला जो पूरा जोन है ये बहुत तेजी से गर्म होता है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? अरे भैया, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है ना, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो पृथ्वी का ये वाला भाग, ये वाला पूरा का पूरा भाग, बीच वाला भाग सन के बार बार सामने आता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सामने, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सामने, और कभी साहब इक्वेटर सामने, विषुवत रेखा कभी सामने आ जा रही, कभी कर्क रेखा सामने आ जा रही है, कभी मकर रेखा सामने आ जा रही। ऐसी स्थिति में ये वाला जोन बहुत तेजी से होता है गर्म, क्या होता है गर्म, और साहब इसी को इसीलिए हम कहते हैं हिंदी में उष्णकटिबंध, समझे, ये उष्णीय, ये विषुवतीय वृत्त, तो विषुवत रेखा वाला है विषुवतीय वृत्त। यहां देखो, इसे टॉरिड, टॉरिड का मतलब ट्रॉपिकल होता है, गर्म क्षेत्र होता है, ये टॉरिड जोन, साहब इसी को हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, इसी को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, टॉरिड जोन भी कहते हैं, कोई दिक्कत? तो अब देखो उष्णकटिबंध हुआ, ठीक है साहब, ये जैसे आप यहां, तो ये कहां से कहां तक है, तो साहब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक है, बात समझना। और यहां पर जाओगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल मिलेगा, देखो ये आर्कटिक सर्किल दिखाई दे रहा है यहां, ये देखो आर्कटिक सर्किल लिखा है 66.5 पर, वही वाला डायग्राम यहां हिंदी में, तो ये आर्कटिक वृत्त है, ऐसे नीचे देखो अंटार्कटिक वृत्त है। तो साहब ये वाला जो जोन आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध, साउथ पोलर जोन है, इसे हम क्या बोलेंगे, ये देखो फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन। सर आप तो कह रहे थे पोलर जोन, यार पोलर जोन को ही फ्रिजिड जोन कहते हैं, ये पोलर जोन को ही फ्रिजिड जोन कहते हैं, बात को समझिएगा, फ्रिजिड जोन है। अब फ्रिजिड जोन ऊपर और ट्रॉपिकल जोन ये वाले, बात समझिए। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग से यहां पर बनाता हूं, नहीं तो कहोगे सर ये ले आते हैं पता नहीं कहां से डायग्राम और वही बार बार बना के दिखाते हैं। तो देखो
मैं स्वयं बना दे रहा हूं इसको ताकि अच्छे से क्लियर रहे। ये साहब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हिंदी में बगल में देख सकते हो, ये कैंसर है और ये कैप्रिकॉन है। सर ये कितनी डिग्री पर होता है? यार ये 0 डिग्री है, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये 23.5 हुआ। अभी अक्षांश, देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हम पढ़ाएंगे, ये 23.5 डिग्री साउथ, बात समझिएगा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। और ये क्षेत्र बहुत तेजी से गर्म होता है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज यहां पर पड़ती हैं। और साहब ये वाला जो जोन आप देखते हो ना, ये 0 डिग्री वाला जोन है, इक्वेटर साहब इसे कहते हैं, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये भाग बहुत तेजी से गर्म होता है क्योंकि सन की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं। तो साहब इसका क्या नाम है? इसका नाम है उष्ण कटिबंध हिंदी में। तो सर इंग्लिश में? यार इसका नाम है ट्रॉपिकल जोन। अच्छा सर और भी कुछ नाम है? हाँ यार टॉरिड जोन भी कहते हैं, टॉरिड जोन भी कहते हैं, समझ गए साहब। यहाँ की हवा गर्म होती है, तेजी से ऊपर उठती है, ऊपर उठकर बारिश कराती है, और बारिश अगर हो गई तो यहां पर बहुत अच्छे अच्छी वनस्पतियां जन्म लेंगी। ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत अच्छा माना जाएगा, ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत अच्छा माना जाएगा। ऐसे में साहब इसे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, मेगा थर्मल क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। कुछ समझ में आया? मेगा थर्मल क्लाइमेट। चलिए अच्छा अब आइए इधर ऊपर आइए। ये साहब पोलर जोन है, ठीक है सर पोलर जोन। तो इसको हिंदी में भी कुछ कहते हैं? हाँ यार शीत कटिबंध कहते हैं। अच्छा सर शीत कटिबंध मतलब कितना टेम्परेचर होगा सर जी? अरे यार 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तो सर ये फ्रिज बिल्कुल होगा। हाँ इसीलिए तो फ्रिजेड जोन बोलते हैं साहब इसे, इसे फ्रिजेड जोन बोलते हैं, फ्रिजेड जोन कहते हैं। अच्छा तो ये वाला जोन भी सर फ्रिजेड जोन होगा। बिल्कुल यार यहां भी कौन सी सन की किरणें पहुंच जाएंगी, और पहुंचेंगी तो 6 महीने पहुंचेंगी, 6 महीने नहीं पहुंचेंगी। ये भी पोलर जोन है, ये भी शीत कटिबंध है। तो ये जो आप खींचे इसका क्या नाम है साहब? इसका नाम है अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। और ये सर ये वाला क्या है? ये वाला यार आर्कटिक सर्किल है, कोई दिक्कत? इसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, इसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं। टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, इसकी सारी पीडीएफ जितना मैं लिख रहा हूं सारी पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? ये आपको जैसे चैनल पे जाएंगे सबसे ऊपर जो हमारा चैनल का बोर्ड लगा हुआ है विद्या ददाति विनियम, वहां पर एक नंबर लिखा है, उस पर आपको कॉल करना पड़ेगा। चलिए तो साहब यहां पर ठंडे क्षेत्र। अब आप कहोगे सर पैसा ले रहे हो? यार पैसा भाई मेहनत करेंगे तो यार पैसा हम उसका लेंगे, कोई फ्री दे देता हो तो बात अलग है यार, उसके यहां इतना पैसी संपत्ति है तो उसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए क्योंकि यार मैं मेहनत कर रहा हूं, 2 नंबर की कमाई तो ये है नहीं। यहां से गर्मी जाएगी, यहां से गर्मी जाएगी, ठीक है सर यहां से गर्मी गई तो क्या यहां से भी गर्मी जाएगी, यहां से ठंडक आएगी। हाँ तो सर इसके 2 पार्ट कर लेते हैं ना, ये लो कर दिए, 40 डिग्री नॉर्थ कर दिए और यहां पर 40 डिग्री हम साउथ कर दे रहे हैं, 40 डिग्री साउथ कर दिए सर। अच्छा ठीक है तो साहब पोलर के बगल वाला जो इधर होगा यहां थोड़ी थोड़ी ठंडक आएगी, इसीलिए इसे सब पोलर कहते हैं, इसे सब पोलर कहते हैं। इधर वाले से गर्मी जाएगी तो इसीलिए यार सब ट्रॉपिकल कहते हैं। सब ट्रॉपिकल क्यों? अरे यार ये बताओ जैसे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर का सबसे इंस्पेक्टर से छोटा पद क्या होता है? सब इंस्पेक्टर। वैसे ये ट्रॉपिकल है, इससे थोड़ी यहां तो गर्मी बहुत ज्यादा, इससे थोड़ी सी कम गर्मी यहां सब ट्रॉपिकल में होगी, गर्मी यहां भी होगी, ऐसे पोलर के बगल वाला सब पोलर। हाँ समझे। तो इसको और भी कुछ नाम से जानते हैं क्या हिंदी में? हाँ हिंदी वाला मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इस यहां मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ऊपर इंग्लिश में लिख दिया। तो क्या नाम है साहब? ये गर्मी इधर से आ रही है तो उपोष्ण, जैसे निरीक्षक होता है तो उपनिरीक्षक, और ऐसे साहब ये उपशीत। अच्छा यहां पर कितना टेम्परेचर सर जी? यहां पर यार देखो यहां पर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान, समझना। तो यहां कितना यार? 10 से 18,
तो सर यहां कितना, तो यार 0 से 10 कम होता जा रहा है, तो यहां कितना है? तो बताया यार 0 डिग्री सेल्सियस से कम। ये पोलर जोन है ना, उपशीत है, उपोष्ण है, सब ट्रॉपिकल है, सब पोलर है, बात समझिए। अभी इसको बहुत डिटेल में नहीं, जब अभी हम वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं अक्षांश देशांतर, तक तो समझ में आएगा। ये वाला जोन देखो साहब, ये ट्रॉपिकल जोन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, गर्मी ज्यादा होती है, उष्णकटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन, मेगा थर्मल जोन इसी को कहते हैं साहब। 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान कहां से किसके बीच में? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, हिंदी में कैंसर से, इंग्लिश में कैंसर से कैप्रिकॉन। अब देखो इधर देखो, 66.5 डिग्री वाली लाइन है, ये देखो लिखी है आर्कटिक सर्किल, 66.5 से ऊपर पोलर जोन है, शीत कटिबंध कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम है, फ्रिजिड जोन कहलाता है साहब। साहब ऐसे ये भी है, अब यहां सारे नाम मैंने नहीं लिखे हैं, समझ जाना। अब ये वाला जो जोन है सब पोलर सब ट्रॉपिकल, ये बीच में इधर से ठंडक आ रही, इधर से गर्मी जा रही, इसीलिए ये वाला जोन टेम्परेट जोन कहलाता है। टेम्परेट तो कहीं लिखे नहीं है, लिख दे रहा हूं यार, ये लो, ये पूरा का पूरा जोन जो देख रहे हो, ये टेम्परेट है, टेम्परेट है, टेम्परेट है सर, हिंदी में तो भी बताइए। चलो ठीक है, शीतोष्ण है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ऐसे ये भी होगा, बिल्कुल होगा यार, ये टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन है, क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध, ये भी बिल्कुल कहलाएगा यार, क्या दिक्कत है? अब देखो ये ट्रॉपिकल, ये उपोष्ण उपशीत किसके भाग हैं? टेम्परेट शीतोष्ण के, क्योंकि यहां आधे भाग पे गर्मी ज्यादा, आधे भाग पे ठंडक ज्यादा, क्योंकि एक ठंडक के बगल में बैठा है और एक गर्मी के बगल में बैठा है, बात समझना, एक गर्मी के बगल में बैठा है, एक ठंडक के बगल में बैठा है। ऐसे ये पोलर जोन और ये वाला उष्ण कटिबंध, अब इधर से सब पोलर सब ट्रॉपिकल, इसको भी टेम्परेट जोन। तो सर ये बता क्यों रहे हैं? अच्छा तो देखो पृथ्वी पर कितने टेम्परेचर बेल्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यार 7 टेम्परेचर बेल्ट बन गए। अगर ये बेसिक चीज आपको नहीं पता है तो ज्योग्राफी बस आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगी, ये चीज ध्यान में रखना, बात समझ में आए। अब देखिए यहां मैं हिंदी में आपको, यहां पर यही चीज हिंदी इंग्लिश में बताई गई है, टॉरिड जोन वगैरह, और वही यही चीज ये हिंदी में बताई गई है, इसको आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां मैं पूरी तरीके से आपको बेहतर ढंग से जितना हो सकता है मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो सर ये क्यों समझा रहे हैं? अरे यार जब चक्रवात की बात करोगे ना, तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक को हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो मैंने लिखा है थंबनेल पर, ट्रॉपिकल साइक्लोन साहब, और एक का होता है टेम्परेट साइक्लोन, समझे, टेम्परेट साइक्लोन। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आज सर किसकी बात करेंगे? आज हम इसी की बात करेंगे। अच्छा तो यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये 23.5 से 23.5 के बीच वाला जोन है, यहां जो आने वाले चक्रवात हैं इसी को ही तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। यस यस, बात समझ में आया? तो ध्यान में रखिए, क्या क्या ध्यान में रखना है, अब यहां ध्यान से समझिए मेरी बातों। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक ये जो जोन आपको दिख रहा है, इसी को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। सर अभी तो आपने 23.5 से 23.5 बताया, तो यहां मैंने ट्रॉपिकल जोन मैंने गलत लिख दिया है, ये थोड़ा सा हटा दिए, जोन नहीं कहेंगे। यहां पर बनने वाले चक्रवातों को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे, ये लिखना जरूरी है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक।
इसे हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। बात समझ में आई? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहां पर बनने वाले जितने साइक्लोन हैं, चक्करदार हवाएं हैं, उष्ण कटिबंधीय। सर अभी तो आपने 23.5 से 23.5 बोला था ट्रॉपिकल जोन है, तो ये आप 30 क्यों लेके जा रहे हैं? बात ये है मित्रों कि हमारी ये जो पृथ्वी है ना, ये जो जितने थर्मल बेल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तब बने होते हैं, ये स्थिति तब आती है जब सूर्य देव, सूर्य महाराज बिल्कुल बिल्कुल इक्वेटर पर चमक रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल किस पर चमक रहे हों? इक्वेटर पर चमक रहे हों। इनकी स्थिति बिल्कुल इक्वेटर पर हो तभी ये स्थिति बनती है। और चूंकि आप जानते हो हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो कभी कर्क सामने आता है, कभी मकर सामने आता है सूर्य की। ऐसे में ये ट्रॉपिकल जोन कभी ऊपर कभी नीचे सरकता जाता है। यार ये तुम खुद बताओ, अगर सूर्यदेव यहां आ गए तो क्या ट्रॉपिकल यहीं बना रहेगा? ये गर्मी यहीं तक, मैंने क्या कहा था ट्रॉपिकल में गर्मी ज्यादा होती है, तो क्या ये गर्मी यहीं तक बनी रहेगी? ये गर्मी तो थोड़ा ऊपर सरकेगी ना साहब, क्योंकि सूर्यदेव ही तो गर्मी पैदा कर रहे हैं। बात समझे? अगर मान लो सन मकर रेखा पर चमकेगा तो यार ये गर्मी तो नीचे तक आ जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ट्रॉपिकल को ऑन एवरेज 30 से 30 माना है। ये चीज ध्यान में रखना, ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, यहां साइक्लोन बनते हैं। तो सर आपने बताया यहां बीच में लो प्रेशर होना चाहिए, किनारे हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी चक्रवात की जन्म होता है। बिल्कुल, ये बीच में लो प्रेशर और किनारे किनारे हाई प्रेशर हो तभी ये चक्रवात बनते हैं। ऐसी स्थिति अगर कहीं ट्रॉपिकल जोन में मिल जाए तो वहां साइक्लोन की उत्पत्ति हो जाएगी। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बे आप बंगाल और अरेबियन सी वाला जो जोन है वो ट्रॉपिकल जोन ही है, क्योंकि ये देखिए ये हमारे इंडिया से निकलती है, इंडिया के नीचे से इक्वेटर जाती है, तो साहब इक्वेटर से ऊपर हमारा इंडिया कितना फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट तक ही तो फैला हुआ है। बात समझना, तो ये तो ट्रॉपिकल जोन में ही ये पूरा का पूरा एरिया आएगा। तो बे ऑफ बंगाल वाला ये वाला जोन और अरब सागर वाला जोन चक्रवात से क्यों नहीं प्रभावित होगा? ये ज्यादातर कब होते हैं? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ठंडियां जा रही होती हैं और गर्मियां जा रही होती हैं, ठंडियां आ रही होती हैं, तभी ऐसी दशा बनती है। ये मैंने पिछली क्लास में, अब पिछले क्लास का मतलब पिछली क्लास में आके लास्ट वाले पार्ट में जाके देख सकते हो। ये कौन सा क्लाइमेटोलॉजी पार्ट कौन सा चल रहा है? एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, कोई बात नहीं। भाग 6 चल रहा है, ठीक है, भाग 6 चल रहा है। और यहाँ जलवायु वाला थोड़ा सा ये लिख लिया, क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 6, ठीक है, क्लास 7 चल रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, ये बात समझ में आए? तो एक तरीके से आपको ये चीज तो बेहतर ढंग से समझ में आ गई कि कैसे ये 7 टेम्परेचर बेल्ट बनते हैं और कहां पर ट्रॉपिकल जोन है। अब उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं साहब, ये किस दशा में बनते, कितना तापमान होना चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, बताइए, क्या कुछ आप लोग बता सकते हैं? एक मिनट क्लास, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो एटलीस्ट आपको पता होगा कम से कम चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो प्रमुख दशा है, प्रमुख दशा है, सिचुएशन है, वो कौन सी होनी चाहिए? सिचुएशन किसके लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आपसे पूछा जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के लिए सबसे पहले अगर
टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं है तो साइक्लोन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इतना टेम्परेचर अबव होना चाहिए भाई, जहां लो प्रेशर, साइक्लोन की आंख हमने पिछली क्लास में बताया था, लो प्रेशर वाला जोन, तभी हवा ऊपर उठेगी, तभी किनारों किनारों से हवा उसको भरने के लिए दौड़ेगी। यानी कि टेम्परेचर मैंडेटरी है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। दूसरा सर, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स का होना, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कोरियोलिस फोर्स का होना आवश्यक है। क्या बला है पिछली क्लास में ये सीख लीजिएगा, ये क्या बला है, समझ रहे हैं? कोरियोलिस बल का होना जरूरी है साहब, यही कारण है कि इक्वेटर पर साइक्लोन बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि वहां पर हमने बताया था पिछली क्लास में 2V साइन थीटा वैल्यू में जो थीटा का मान है वो जीरो हो जाता है, इक्वेटर का मान जीरो हो जाता है, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती। कोरियोलिस फोर्स का होना अति आवश्यक, बिना कोरियोलिस फोर्स के ये संभव ही नहीं। तीसरी क्या चीज, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, विंड्स का मूवमेंट, विंड मूव नहीं करनी चाहिए, विंड मूव नहीं करनी चाहिए, मतलब यार ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज, ये दोनों हवाएं नहीं चलनी चाहिए। हवाएं, विंड तो जानते हो गए यार, अभी एक एक छोटी छोटी चीज की हिंदी तो बताएंगे नहीं, विंड मतलब हवा, ऊर्ध्वाधर हवाएं और ऐसे हवाएं नहीं चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो साइक्लोन बन रहा है और वहां आसपास से यदि हवा का डिस्ट्रक्शन चालू हो गया, तो जो तेजी से हवा उठ रही थी, जो नमी उठ रही थी, वो नमी ऊपर नहीं जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, बात समझ रहे हैं? तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल हवाओं का मूवमेंट वहां नहीं होना चाहिए, तभी साइक्लोन ढंग से बन रहा है तो उसे बन, मतलब वर्टिकल हॉरिजेंटल अगर विंड चल गई वहां, तो जो नमी ऊपर उठ रही थी वो नमी तितर बितर हो जाती है, और नमी ही साइक्लोन को गुप्त ऊष्मा प्रोवाइड करती है, क्योंकि यही वाटर वेपर जब ऊपर जाकर बादल बदल, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट यानी कि जलवाष्प जब जलबूंद में बदल जाती है तो उसकी ऊष्मा निकलती है। भाई जाहिर सी बात है यार, अगर गैस को तुम द्रव में बदल दोगे तब तो ऊष्मा निकलेगी ना, अगर द्रव को गैस में बदलना होती है तो ऊष्मा लगती है, तो यार अगर गैस को द्रव में बदल रहे हो तो ऊष्मा निकलेगी, और ये लैटेंट हीट कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, और गुप्त ऊष्मा जितना ज्यादा हवा को मिलेगी वो हवा और ऊपर उठेगी। ये बात बिल्कुल समझ लेना, नमी यानी कि ह्यूमिडिटी ही साइक्लोन के ऊपर बढ़ने, साइक्लोन का तेज होने का कारण है साहब, बात समझिए, ये बात समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, होगा ये कि तेजी से हवा ऊपर उठेगी, तो किनारों किनारों से हवा तेजी से ये दौड़ेगी इसको भरने के, जब किनारे किनारे खाली होंगी तो ऊपर वाली हवा यहां से आ जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगा और देखेगा इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, तो ये तुरंत इधर मुड़ जाएगा, और साहब ऐसे सब दिशाओं में होगा, ऐसे केवल अभी आप एक दिशा देख रहे हो, ऐसे हर दिशा में, यूं उठ रहेगी ऐसे गिरेगी, यूं आएगी फिर गिरेगी, यूं इस तरीके से हवा, मतलब यूं तो चलेगी ऐसे, समझ रहे, ये ऊपर उठी ये गिरी, ऐसे यहां भी ऊपर उठी ये गिरी, ऐसे यहां भी ऊपर उठी गिरी, और ऐसे बार बार ये गिर के यहां पर हवा आ जाए, बात समझे ना? तो ये तो ऊपर उठता जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, ये हवा इधर से आ रही तो यहां हाई प्रेशर होगा, तभी तो लो प्रेशर, बात समझिए, और ये ऊपर जाके हाई प्रेशर क्रिएट कर देगा, ये इधर आ गई तो यहां लो प्रेशर हो जाएगा, ये नीचे आ गई तो ये लो प्रेशर होगा, अब ये हवा मुड़ के इस तरीके से साइक्लोन की उत्पत्ति, ये गोल गोल चक्राकार क्यों है, कल ही बताया था कोरियोलिस फोर्स का होना अति आवश्यक। तो नीचे से हवा ऊपर जा रही है और इधर से किनारे से
रिटर्न मार के फिर आ रहे हैं। यही जून साइक्लोन का आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है, आई कहलाता है। और साहब यहां जो ऊपर जब हवा जाएगी ना, तो यार क्या बनाएगी ऊपर जाने वाली हवा? कंडेंस होगी, जल बूंदों में बदलेगी, फॉग बना देगी ऊपर जाकर। और ऊपर तैरता हुआ फॉग, ऊपर तैरता हुआ कोहरा बादल कहलाता है, बादल कहलाता है। सर ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनेंगे। क्यूमुलो निम्बस क्या होते हैं आगे बताएंगे। बादल यहां पर नहीं बनते, ध्यान में रखना, यहां नहीं बनेंगे, इस जोन में नहीं बनेंगे। क्यों सर? अरे यार ये हवा जाके फैल रही, एक्सपैंड कर रही है, तो बादलों को भी इधर बनाएगी, इधर झमक के बारिश होगी, इधर झमक के बारिश होगी साहब। लेकिन यहां पर कोई बारिश नहीं होगी, इस मेन क्षेत्र में कोई, यहां पर कोई बारिश नहीं, इस वाला एरिया, ये वाला एरिया बिल्कुल शांत रहेगा। किनारों किनारों से हवा तेजी से उठेगी। ये देखिए, ये देखिए, इसे साइक्लोन का वॉल कहते हैं। वॉल, एक डायग्राम मुझे लाना था, वो मैंने लाया नहीं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, कल मैं दिखाऊंगा। ये जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं ना, ये देखना, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं, ये आई, ये वॉल ऑफ द साइक्लोन है साहब, वॉल ऑफ द साइक्लोन। सर ये बीच में तो कुछ नहीं है, जो हरा हरा है मैं उसको हरा हरा कर दे रहा हूं, ये बीच वाला जो जोन, ये हरा हरा, इसमें यहां हवा शांत रहती है, यहां कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। जहां साइक्लोन का बिल्कुल आई होता है, वहां बारिश नहीं होती है। सर ये ऊपर उठा क्यों? क्योंकि भैया कल ही बताए थे हाई टेम्परेचर होता है। सर ये इधर से क्यों आया? क्योंकि यहां लो टेम्परेचर होता है, इसीलिए तो हाई प्रेशर है। यहां लो टेम्परेचर, इसीलिए तो हाई प्रेशर है। तो सर ये चलता रहेगा? नहीं यार, जब ये वाला एरिया गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो लो प्रेशर थोड़ी रहेगा, तब तो यहां टेम्परेचर ज्यादा थोड़ी ना रहेगा, हाई टेम्परेचर थोड़ी ना रहेगा यार। तब तो जब ये एरिया बारिश का पानी, यहां नमी इकट्ठा हो जाएगी, यहां सारा वायु ऊपर चली जाएगी और यहां नमी की स्थिति आ जाएगी, तब ये साइक्लोन बंद हो जाएगा। तो साइक्लोन चला क्यों था? क्योंकि यहां हाई टेम्परेचर था, किनारे किनारे लो टेम्परेचर था। जब यही हाई टेम्परेचर बंद हो जाए तो साइक्लोन चलना बंद। अच्छा, यानी कि हमारे सरफेस पर अलग अलग स्थलाकृतियां हैं, और किसी के पास उष्मा ज्यादा होती है, किसी के पास उष्मा कम होती है। जब उष्मा का मतलब हीट, जिसकी उष्मा ज्यादा होती है वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, किनारे किनारे से हवा आ जाती है, यही तो साइक्लोन की दशा है। यदि सबका तापमान एक जैसा हो जाए, यहां लिखा हुआ है ये टेम्परेचर अगर इक्विलिब्रियम हो जाए, सब जगह एक जैसा टेम्परेचर हो जाए, ये देखो, ताकि वायुमंडल में तापीय साम्यता बनी रहे, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम जिस दिन हो गया उस दिन साइक्लोन नहीं चलेंगे, क्योंकि साइक्लोन के चलने के लिए सेंटर में साहब हाई टेम्परेचर चाहिए, किनारे किनारे लो टेम्परेचर चाहिए। तभी तो यहां हाई प्रेशर, तभी तो यहां लो प्रेशर सेंटर में बनेगा। लो प्रेशर ही ना बने तो कैसे साइक्लोन बनेगा? बात समझ में आया सर? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल जोन कैसे मूव करते हैं, अब आपको मैं एक खास चीज बता दूं। देखो, जब अभी थोड़े समय बाद हम लोग विंड्स, परमानेंट विंड्स पर बात करेंगे, परमानेंट विंड्स क्या होती हैं अभी मैं बता दूं, जब हम इन विंड्स पर बात करेंगे, आ गया यार, अगर कोई डायग्राम हो जाए तो, डायग्राम पिछले वाले वीडियो में था। हाँ, जब यहां पर, खैर ये ध्यान दो, 30 से 35 ऊपर, 30 से 35 से नीचे, यहां पर एक साहब विंड चलती हैं जिनको ट्रेड विंड कहते हैं। कौन सी विंड कहते हैं? व्यापारिक हवाएं। सर ये तो कभी बताया नहीं आपने, कब चलती हैं? भैया आगे बताएंगे जब ये वाली विंड्स पर बात करेंगे। यहां मैंने लिखा तो है इन वाली विंड, प्राइमरी विंड्स, इन पर जब बात करेंगे तो ये देखो लिखा है ना, ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं, ये देखो लिखा है ना, तो वही चीज, ये ऐसे चलती है। अच्छा, तो ट्रॉपिकल जोन में कौन सी विंड का प्रभाव रहता है? ट्रेड विंड का प्रभाव रहता है। अच्छा, तो ये व्यापारिक हवाएं हैं। हाँ सर, इसको मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, जब विंड वो समझाएंगे तो ये भी हम, तब ये बात अच्छे से समझ में आएगी, अभी रट लो, बस ये समझ लो
ट्रॉपिकल जोन में ऐसे हवाएं चलती रहती हैं, ऐसे हवाएं चलती रहती हैं पश्चिम पूर्व से पश्चिम। इनको ट्रेड विंड या पूर्वा हवा कहते हैं। पूर्वा हवा या साहब कहीं कहीं ईस्टर लीज लिखा मिल जाता है, ईस्टर लीज कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। खैर, ईस्टर लीज कहा जाता है। अब सोच के देखिए थोड़ा सा, मैं बता रहा हूं इस चीज को। हाँ, यहां मैं इसको गायब कर दूं। सोच के देखिए साहब, ये मान लो स्थल है, ये पानी, ये स्थल है, स्थल बोले तो लैंड है, ये वाटर है यानी कि ये जल है साहब, ये भी जल है। सूर्य देव अगर गर्मी देंगे, ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं हम। अब मान लो यही ट्रॉपिकल एरिया है, यही ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं। यहां पर स्थल और पानी कहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताना। हो सकता है। और यहां विंड ऐसे चल रही, समझना बहुत ध्यान से समझना। ये देखो, यही वाली विंड को मैं दिखाया हूं, ये वाली, यही वाली विंड। अब यहां पर मान लो ये विंड चल रहा है, तो साहब ये बताइए, मान लो यहां भी एक स्थल मैं और बना दूं, यहां भी एक स्थल है, यहां भी एक स्थल है, यहां भी लैंड है, ठीक, यहां भी लैंड है, टेरेस्ट्रियल पार्ट है। अब ये हवा यूं चल रही है दनादन, पूरे पे कहीं स्थल, कहीं पानी, कहीं फॉरेस्ट, कहीं जंगल, मतलब कहीं पर डिजर्ट वगैरह, ये हवाएं चल रही हैं। हम ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। अब होगा क्या यार, ये बताओ, जब ये हवा चलेगी तो यहां का पानी इधर होता, इधर जाएगा कि नहीं, फ्रिक्शन होगा कि नहीं, घर्षण होकर इधर जाएगा कि नहीं। तो यार ये बताओ, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, पानी तो गर्म होगा, अरे खौलेगा नहीं लेकिन गर्म तो होगा पोलर वाले क्षेत्रों की अपेक्षा। ये पानी इधर मूव करेगा कि नहीं, बताना। तो यार गर्म पानी महाद्वीपों के या लैंड के, महाद्वीप ही तो लैंड में होंगे, कॉन्टिनेंट के या महाद्वीप, कॉन्टिनेंट महाद्वीप एक ही होते हैं। ये मान लो कॉन्टिनेंट, लैंड को हम क्या बोल दिए, कॉन्टिनेंट, ये भी क्या है, कॉन्टिनेंट, ये भी क्या है, कॉन्टिनेंट। तो जरा बताओ, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, ये महाद्वीप है मान लो, तो पश्चिमी तटों पर गर्म पानी होता है कि पूर्वी तटों पर गर्म पानी होता है, सोच के बताओ। तो आप कहोगे सर हवा तो ऐसे चल रही है, तो हवा जब चलेगी तो यहाँ का गर्म पानी उठा के यहां आ जाएगा, और ये जो गर्म पानी होगा, हाँ, ये पानी तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और जो गर्म पानी यहां आकर इकट्ठा होगा, यानी कि महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, ये पूर्वी तट ही तो है, बताना, ये पूर्वी तट पर इकट्ठा होगा। जब पानी यहां इकट्ठा होगा तो पानी नीचे सबडक्ट होगा, और सबडक्ट होकर साहब यहां से ठंडा पानी ओरिजिनेट होगा, समझना। इसको मैं जूम कर रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नहीं समझ में आती हैं, किताबें ऐसी हैं कि माशा अल्लाह है भाई, राइटर ऐसा लिखे हैं कि खुद ही समझ सकते हैं। ये मैं रियल बात बता रहा हूं, चाहे परीक्षा वाणी पढ़ लो, चाहे तुम महेश वर्णपाल पढ़ लो, ये तो हालांकि कोई बहुत बड़े राइटर नहीं है, तुम सविंदर सिंह उठा लो, जैसे लग रहा है कि साहब अपने लिए सब लिखे हैं वो, ठीक है, हालांकि मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मतलब बच्चा कैसे समझेगा, ठीक है। अब देखो, यहां पर ये पानी यहां गर्म आके इकट्ठा, क्योंकि ये हवाओं के कारण गर्म पानी यहां आकर इकट्ठा हुआ महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, यानी कि ये पानी पश्चिम से पूरब मूव किया है, पश्चिम से पूरब मूव किया है, बार बार कह रहा हूं पश्चिम से पूरब मूव किया है। तो ये बताओ, चक्रवात के लिए तो हाई टेम्परेचर होना ही चाहिए, तो चक्रवात या साइक्लोन पूरब से पश्चिम मूव करेगा कि पश्चिम से पूरब, कि पश्चिम से पूरब घूमेगा। तो आप बता सकते हो, कॉमन सेंस है कि सर जब ये गर्म पानी इधर जा रहा है तो चक्रवात भी तो इधर जाएगा, यानी कि याद रख लो, ट्रॉपिकल जोन में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, लेमैन लैंग्वेज में बाबू समझ लो, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में गर्म पानी इकट्ठा होता है,
जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडा पानी इकट्ठा होता है। और ऐसा साहब इसलिए होता है क्योंकि ट्रेड विंड चलती हैं, यहां पर व्यापारिक हवाएं चलती हैं, बात समझ में आया। और यहां ठंडा पानी इवॉल्व, भाई गर्म पानी यहां इकट्ठा हो गया तो खाली थोड़ी ना हो जाएगा, नीचे वाला ठंडा पानी ऊपर आएगा, समझ गए। तो ऐसे में चक्रवात भी ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर महासागरों में मूव करते हैं, और जैसे ही महाद्वीपों के तट पर आते हैं वैसे ही इनकी वेलोसिटी कम होने लगती है। इसका मेन कारण यह है कि स्थल पर पानी नहीं मिलता, और लैटेंट हीट जो होती है कि गुप्त ऊष्मा पानी वाली, वो नहीं मिल पाती, इसीलिए ये ब्रेक हो जाते हैं स्थल पर आकर, ये ब्रेक हो जाते हैं, ये स्थल पर चल नहीं पाते, लैंड पर मूव नहीं कर पाते, बात समझ में आया। तो दूसरी बात यहां जो मैंने खासियत लिखी, तीसरी बात ये, तो चौथी बात साहब ये है, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ये साइक्लोन है, बात समझ में आया। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं। और आगे चलकर जब पढ़ोगे तुम तो यहां पर देखोगे ये वाला जो इक्वेटर है, यहां पर दोनों ट्रेड विंड, ऊपर की ट्रेड विंड और साउथ की ट्रेड विंड दोनों आके मिल रही हैं, इसका नाम है। और यहां तेजी से हवा ऊपर उठती भी है क्योंकि लो प्रेशर जोन होता है। तो ध्यान में रखना 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में साइक्लोन, यहां पर 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच साइक्लोन नहीं बनते क्योंकि यहां कोरियालिस फोर्स नहीं होता। अब एक इसका पॉइंट है कि जो ITCZ होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सॉरी अंतः उष्णकटिबंधीय क्या कहेंगे अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, ITC कहीं यहां भी लिखा होगा शायद, ITCZ, असल में यहां पर ये डोल ड्रम का इलाका है, यहां पर जब ITCZ इक्वेटर पर होता है तब तो साइक्लोन नहीं बनते, लेकिन ये ITCZ ऊपर नीचे खिसकता है और यहां लो प्रेशर जोन होते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं मानता हूं समझ में नहीं आ रहा होगा, ITCZ वहां लो प्रेशर कैसे जब ऊपर नीचे क्यों खिसकता है, थोड़ा सा सब्र रखो, बस इस चीज को मैं आगे समझाऊंगा क्योंकि अभी मैं सारी वीडियो करूंगा तो ये क्लास 2 घंटे की हो जाएगी, समझ पा रहे हो। तो बस ये समझिए, ITCZ जब तक इक्वेटर पर रहता है तब तक तो साइक्लोन नहीं बनते क्योंकि इक्वेटर पर कोरियालिस फोर्स नहीं, और जैसे ही ITCZ ऊपर नीचे खिसकता है तो यहां ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। अब आप कंफ्यूज होंगे ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट क्या है, ये आगे की क्लास में समझाएंगे, और फिलहाल केवल सुन लो, वहां भी मैं समझा दूंगा तो साइक्लोन वहां से भी कनेक्ट कर लेना। ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट जो होता है ये ऊपर नीचे खिसकता है और उसी को ही हम ITCZ कहते हैं, इसी ITCZ के सहारे साइक्लोन बनते हैं, ये ध्यान में रखना। लेकिन जब तक ये इक्वेटर पर रहता है तब तक नहीं। अब क्या ITCZ होता है, क्या ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होते हैं, ये आगे की क्लास में हम बेहतर ढंग से समझाएंगे, जब प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे तभी हो सकता है, क्योंकि अभी तो हवाएं नहीं समझे, बात समझ में आए, ये आगे हम समझाएंगे। फिलहाल इतने पॉइंट तो याद ही रखिए, 27 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, कोरियालिस फोर्स का प्रेजेंट होना जरूरी, इक्वेटर पे नहीं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल विंड का मूवमेंट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट ये मूव करते हैं और स्थल पर जाकर ये खत्म हो जाते हैं। अब चक्रवात का नामकरण की बात अगर हम करें तो WMO के अनुसार 13 देशों को ये ठेका दे रखा गया है। देखो अगर गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 और ये अल्फाबेटिकली है। देखो बी के बाद ही आई आता, आई के बाद आई, अब वो आई आई तो इसमें हम अगला वाला अच्छा देखें, एन ये हो गया, आर ये हो गया, एन के बाद ही आर आता है, ए बी सी डी। अब गिन लो, ए यहां वाई, एम एम दोनों है लेकिन ए पहले आता है वाई आता है, म्यांमार मालदीप पहले आएगा, म्यांमार बाद में। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनको ठेका दे रखा गया है कि आप ही लोग साइक्लोन जो इंडियन साइक इंडिया में साइक्लोन आते हैं उनका नामकरण करना, इंडियन ओशियन में साइक्लोन जो आते हैं वो आप नामकरण करें। जैसे निसर्ग गति है, निवार है, ब्यूरेवी है, काउतेई है, ये 13 देश यही मिलकर इंडियन ओशियन में साइक्लोन नाम रखते हैं। अभी बिपरजॉय तबाही मचाया अरब सागर में, पूछा जा सकता है बताओ ये नाम किसने रखा, तो आपको बताना है बांग्लादेश। दूसरा ये आया कहां, अरेबियन सी, ये चीज तो पता ही होनी चाहिए। दूसरा इंडिया, अब आगे आने वाला जो चक्रवात है उसका नाम तेज होगा, उसके बाद ईरान के द्वारा हमून होगा, उसके बाद मिधली होगा मालदीव के द्वारा, नामकरण पहले ही रखा गया है। तो उम्मीद है आपको उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं क्या दशा होती है, ये कहां आते हैं, ये आपको पता होगी। मेनली जरूरी है सेंटर में लो प्रेशर होना, किनारे किनारे हाई प्रेशर होना, ये कहीं भी क्रिएट हो जाए तो साइक्लोन की दशा बन जाए। ये पानी में पूर्व से पश्चिम क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड चलती है, क्योंकि व्यापारिक हवाएं। ये लिखित रूप से आपको सब कुछ पीडीएफ में प्रोवाइड होगा, एक दिन मैं पीडीएफ सारा कुछ ला के आपको दिखा भी दूंगा कि ये सारी चीजें आपकी हैं। इसी तरीके से आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल नोट होंगे, चाहे इंग्लिश होगा चाहे हिंदी। बात समझ में आए, तो उम्मीद है आपको ये साइक्लोन पता होगे। अब एक शब्द आता है एंटी साइक्लोन, इसके लिए मैं अलग क्लास बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा एंटी साइक्लोन क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, जय हिंद।